हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फेरोमोन्स के बारे में। फेरोमोन्स जनरली बीएससी जूलॉजी और एमएससी जूलॉजी का अच्छा टॉपिक माना जाता है। कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो पता करते हैं क्या होता है फेरोमोन्स और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं भी नहीं होते हैं। तो फेरोमोन्स जो होते हैं, फेरोमोन्स एक कैसे हार्मोन की तरह होते हैं, जनरली इनको एक्नो हार्मोन भी बोलते हैं। ये बॉडी के आउटसाइड पे सीक्रेट होते हैं और फर्दर स्पीसीज के सेम मतलब एक स्पीसीज के सेम मेंबर को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था फेरोमोन्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये इसको फेरोमोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। फेरोमोन जो वर्ड है, इसको कार्लसन एंड लुस्चन ने 1959 में डिस्कवर किया था। ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, फेरिनिन का मतलब होता है टू कैरी एंड हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट। तो ये फेरोमोन्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं आज के टाइप्स के बारे में बताती हूँ। जनरली जो फेरोमोन्स होते हैं, ये पांच तरीके के होते हैं। पहला होता है एग्रीगेशन, दूसरा होता है अलार्म, तीसरा होता है ट्रेल, चौथा होता है सेक्स फेरोमोन्स और पांचवा होता है रिलीजर फेरोमोन। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन्स। एग्रीगेशन फेरोमोन्स जो होता है, एग्रीगेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने का काम करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो होता है एग्रीगेशन फेरोमोन जो होता है मदद करता है। ऐसा फेरोमोन जनरली बीटल्स में, ट्रू बग्स में, ग्रास ओपर में, टर्माइट्स में और कॉकरोचेस में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग अलार्म फेरोमोन्स के बारे में। अलार्म फेरोमोन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को सुबह 4 या 5 बजे का कुछ अर्जेंट काम है जिसके लिए हमको उठना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रात को ही अलार्म सेट करके सोते हैं कि हम 4:15 बजे उठ जाएंगे, ताकि 4 बजे तक हम लोग पूरे अच्छी तरीके से उठ जाए और वो काम सक्सेसफुल हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि अगर किसी स्पीसीज़ का कोई मेंबर जो डेंजर में है, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी के थ्रू फेरोमोन्स को सीक्रेट करेगा, जो एयर के थ्रू तब तक उस सीक्रेट होते रहेंगे, तब तक पहुंचते रहेंगे जब तक उसके फेलो मेंबर को ये सिग्नल नहीं जाता कि वो बंदा जो है या वो जो मेंबर है स्पीसीज़ का, वो डेंजर में है। साथ ही साथ अलार्म फेरोमोन्स ये सिग्नल देने के लिए भी काम आते हैं कि ये जो मेंबर है या जो हमारे आसपास कोई एनिमी हमको घेरे हुए है, तो ये होता है अलार्म फेरोमोन्स। थर्ड होता है ट्रायल फेरोमोन्स। ट्रायल फेरोमोन जनरली जो होते हैं सोशल एनिमल जो होते हैं, जैसे कि आंट्स होती है, उनमें देखने को मिलते हैं। इनमें क्या होता है, जो आंट्स होती है वो अपने जो रास्ता होता है उसको मार्क करती रहती है। तो ये क्या करती है, किसके थ्रू मार्क करती है, फेरोमोन सीक्रेट करती है अपनी बॉडी में और बिल्कुल लाइन में चलती है। तो ये होता है ट्रायल फेरोमोन्स। फोर्थ जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे सेक्स फेरोमोन्स की। सेक्स फेरोमोन जनरली सेक्स अट्रैक्शन के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेल इंसेक्ट है, वो क्या करेगा, अपने बॉडी के थ्रू फेरोमोन को सीक्रेट करेगा ताकि फीमेल इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद वो लोग अपनी ब्रीडिंग प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो इसके लिए फेरोमोन्स भी यूज़ किए जाते हैं। फर्दर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी सेक्स फेरोमोन्स को यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलीजर फेरोमोन्स के बारे में। रिलीजर फेरोमोन बहुत इमीडिएटली रिलीज होता है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मीडिएट करता है। और बेसिकली इजेक्शन ऑफ मिल्क में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैटिंग में, प्रोटेक्शन में, ये जो रिलीजर हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है, रिलीजर जो फेरोमोन होता है वो सीक्रेट होता है और हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी आज फेरोमोन्स के बारे में और पांच तरीके फेरोमोन्स के बारे में। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा फेरोमोन्स क्या होते हैं। तो मेरे वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और थैंक यू।